मेरा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आंखों की पलके को लंबी करने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताऊंगी। आंखें हमारे खूबसूरती में चार चांद लगाती है, पर अगर आंखों की पलके लंबी ना हो तो खूबसूरत नहीं लगती हमारी आंखें। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जिसकी मदद से आंखों की जो पलके हैं वो लंबी और खूबसूरत हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को देखेंगे। पर दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आती हूँ। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगी, बादाम का तेल। बादाम का तेल हमारे घर में बहुत ही आसानी से पाया जाता है। बादाम के तेल में विटामिन ई और बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। बादाम के तेल में बालों को लंबे करने वाले बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। इसलिए रात में सोने से पहले कॉटन बर्ड की मदद से आपको बादाम के तेल को अपने आंखों की पलकों पर लगा लेना है। रोज रात में सोने से पहले आपको इस चीज़ को करना है। ऐसा करने से बहुत ही कम दिनों में आपकी आंखों की पलकें लंबी हो जाएंगी और आपकी आंखें काफ़ी खूबसूरत हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए पेट्रोलियम जेली। वैसे तो पेट्रोलियम जेली हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यह हमारी आँखों की पलकों को लंबी करने के लिए काफ़ी मददगार है। इसके लिए आपको पेट्रोलियम जेली ले लेनी है और अपने आंखों की पलकों पर लगा लेना है। रोज रात में सोने से पहले आपको इस उपाय को करना है। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपको लंबी आंखों की पलकें मिलेंगी। इसके बाद मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ जिसके लिए आपको चाहिए ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ग्रीन टी भी हमारी आंखों की पलकों को लंबे करने के लिए काफी फायदेमंद है। इसलिए आपको ग्रीन टी को अपने आंखों की पलकों पर कॉटन यानी रुई की मदद से लगा लेना है और रोज रात में आपको इस उपाय का उपयोग करना है। ऐसा करने से भी आपकी आंखों की पलकें लंबी हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू आसान से नुस्खे आपकी आंखों की पलकों को लंबी करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।